प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। और आज का हमारा जो नया वीडियो लेक्चर है अर्थात आज हम बात करेंगे लेंस का नियम, अर्थात लेंस का नियम होता क्या है और लेंस का नियम को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से शुरू करते हैं हम कि लेंस का नियम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लेंस का नियम। लेंस का नियम, तो देखिए सबसे पहले इसका टॉपिक का अपन हेडिंग डालेंगे लेंस का नियम। अब हम आगे लिखेंगे इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से यह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात हम यह समझ सकते हैं कि जो लेंस का नियम है इसका जो परिभाषा क्या बोलता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से यह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात किसी परिपथ के अंदर यदि हम कोई भी विद्युत धारा प्रेरित करते हैं तो धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। यहाँ हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई बाप अपने बेटे को जन्म देता है, जन्म देने के बाद उसका लालन पालन पोषण करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, बड़ा करता है, और उसके बाद वही बेटा बड़ा होकर अपने बाप के ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार हम इस लेंस को नियम को भी समझ सकते हैं कि लेंस का नियम जो होता है वो ये बोलता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होती है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें तथा वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।